तो आज हम आपको YouTube चैनल बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने जीमेल आईडी, क्योंकि अकाउंट के लिए जीमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर खोलते हैं, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे साइड में बैनर पे क्लिक करने के बाद ये आपकी आईडी बनी हुई है। अब इसे कंफर्म करने के लिए कि हमारी आईडी कंफर्म है कि नहीं है, तो हम फिर बैक जाएंगे, अपना जीमेल अकाउंट खोलेंगे। एक बार जीमेल अकाउंट खोलने के बाद ओपन करेंगे, साइड में बैनर पर क्लिक करेंगे, ये आपका अकाउंट कन्फर्म हो गया, आपका अकाउंट बना हुआ है। मोस्टली सी फोन अकाउंट होता है। तो सबसे पहले हम YouTube ओपन करते हैं। YouTube ओपन करने के बाद हम साइड लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे, लाइब्रेरी में क्लिक करने के बाद ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे, देख रहे होंगे यू चैनल लिखा हुआ है। यहाँ पे अपना नाम एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं नाम दीपक चंद्रा है, तो हम एडिट करके कुछ भी डाल सकता हूँ, जो भी अपना चैनल का नाम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। जैसे मैं डालता हूँ टेक्निकल स्मार्ट डीएक्स, जो मेरा चैनल का नाम है, मैंने डाल दिया और ये सेव हो गया। सेव करने के बाद देख लेंगे आप, यहाँ पे लिखा रहा है क्रिएट चैनल। क्रिएट चैनल करने के बाद आपका चैनल बन गया। अब इस चैनल में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करने के लिए हमको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद यूट्यूब पे सर्च करना है। यूट्यूब सर्च करने के बाद जब यूट्यूब सर्च करेंगे, आपका सामने कुछ ऐसा पेज खुल गया आएगा। अब साइड में तीन डॉट पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइज पे ओपन कर लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइज पे ओपन करते हैं, तो आपके सामने कुछ पेज ऐसा खुल कर आएगा। आप साइड के बैनर पे क्लिक करें, ये आपके सामने साइड बैनर है ये। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा योर चैनल, इस पर क्लिक करें, आपके सामने कुछ ऐसा खुल कर आएगा। ऐसे आप कुछ कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करते हैं और आपके सामने YouTube स्टूडियो खुल जाता है। और इसे खुलने के बाद जैसे आप अपनी आईडी, FB या इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का, जैसे ट्विटर, कोई भी आपके जो अदर सोशल मीडिया अकाउंट है, उसको यहाँ पे अपने लिंक को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको नीचे दिख रहा होगा लिंक में ऐड लिंक, तो ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर ऐसा डालता हूँ मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो मैं फेसबुक डालता हूँ। ये फेसबुक डालने के बाद यहाँ पे जो मेरी रिव्यू आई रही है उसे पेस्ट कर दूँगा, और भी जैसे आपके नीचे अपने जो आपका अकाउंट है उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जीमेल अकाउंट है, तो नीचे आप देख रहे होंगे लिखा होगा जीमेल, वहाँ पे जाके जैसे आपकी आईडी बनी हुई है तो उस पर मेंशन कर दें। जैसे मैं डालता हूँ मेरी आईडी, जैसे दीपक चंद्रा के नाम से है, तो मैं अपनी आईडी पेस्ट कर देता हूँ। ये आईडी डाल दी। अब इसको साइड में आप देख रहे होंगे बटन ऑप्शन आता है आपका पब्लिश का, तो उस पर क्लिक करने के बाद ये आपका सेव हो गया। अब इसमें जैसे आपको अपने चैनल के बारे में बताना है, कुछ भी, कि आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो डालने वाले हैं, तो अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि जो आपके व्यूअरों को समझ में आए कि आपके किसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले, जैसे मैं डाल देता हूँ आई एम टेक्निकली रिलेटेड वीडियो अपलोड, कुछ भी नॉर्मली डाल सकते हैं जो आपको बताना चाहते हैं पब्लिक को, कि आप आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से वीडियो बना रहे हैं। जैसे मैंने डाला था, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ आपका, मैं डाल दूँ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, मैं आपको टेक्नोलॉजी से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दूंगा। तो ये डाल दिया मैंने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। ये डालने के बाद साइड में पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, उसे क्लिक कर दीजिए, आपका ये हो गया। अब आप जाके आप चैनल रेडी, और भी कई चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर और चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में नीचे बताएं, मैं आपको इनसे और रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा। फिर आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हो आपका चैनल बन गया, और अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए।